अच्छा मेरे को फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्थ रिव्यू। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हेल्थ से भी खुश होंगे, तो हम ही होंगे। सो गाइस, आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये ड्रामास जो होते हैं ना डिफरेंट, ये लड़के उन पे रियल लाइफ में मतलब उनको बनाते हैं, ठीक है, उनका रीमेक करके। हां राइट, हां जी गुड, मेरे को लफ्ज नहीं मिला मतलब उनको बना के ना फनी वे में आगे बताते हैं। इनका नाम क्या है? टिकटॉक आईडी से हमने इनकी वीडियोस ली हैं, स्टार वाइप 14 इनकी आईडी का नाम है। सो अब हम इन पे रिएक्शन देते हैं। तेरे बिन का किया, हाँ तेरे बिन, क्योंकि आजकल वही ट्रेंडिंग पे है, सो हमने उसी की वीडियो दिखाई है। और भी ड्रामों पे इन्होंने बनाया हुआ, लेकिन मैंने इस ड्रामे पे इनकी वीडियोज देखी है और इसी पे फिर मैंने निकाली है, क्योंकि वही ड्रामा ट्रेंडिंग पे है। और गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी एप्स की भी आईडीज मिल जाएंगे, सो आप चाहते हैं हमें फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये वो वाला सीन है जब लाइट बंद कर देता पैसे लेके आता ट्रक है। इतनी सी रोशनी से क्या होता है? सही है, तो नहीं गाता यार। लाइटें खराब होंगी इधर पे, उन्हें सही करवानी है। पहले बता दो, तुम बड़े कमीने इंसान हो। इतने जेल करने के बाद भी ताने कर नहीं सता इसके बाद। मुश्किल में किन तहा? और तो सिम ने क्या किया यार? वैसे ये सीन मजे का था, यहाँ पे जब स्माइल करता है वो आजकल लोग बहू नहीं लेकर आते, नौकरानी लेकर आते हैं, और वो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी। तुम्हें क्या जरूरत है नौकर बनने की? नौकर जैसा शौहर जो मिला है तुम्हें, गाना वैसे इतने मजे का लिखा है, जो खुद से इन्होंने इस ड्रामे के लिए गाना है ना, काफी मजे का। ये जो सेम सीन किया है मैंने यार, नीरव की मुझे तो उतार देते थोड़ी मुझे दो है सही एक्टिंग है। काफी सारे सीन तुमने सेम किए हैं। खुदकुशी आराम है। मैं क्यों खुदकुशी करूं? मैं खुद खुश रहती हूँ। बनाकर क्यों खड़ी हो? थप्पड़ मुझे पड़ा, तुमने अभी मुंह बनाया। मेरा डांस तो पूरा देख लेते। उमा बेगम, ये कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है। तुम किसी का 15 मिनट डांस नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी डांसर के बच्चे। असल में ना, मैंने बचपन में एक पार्क में चिया कर दिया था। So I mean, कभी कभी मेरे अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं। बकवास बंद करो अपनी। अच्छा, यहाँ से ड्रैग अंदर भगाता है, उन्होंने कोई और बात थी। थप्पड़ मेरा कोई पड़ा था, बुर्थ से नहीं पड़ा था, इन्होंने स्टोरी चेंज कर दी है। ये जो डांसर ऐसा डांसर नहीं करती वो। नजर ये तो उसका था ना डायलॉग, मीरब का, जैसी माँ वैसा बेटा।
चप्पा चेंज हो गया, ज्यादती की है, उधर के डायलॉग उधर दे दिए, उधर का थप्पड़ भी उधर दे दिए। अब उसको तो मार नहीं सकते थे। मूर्ति सिंह हर वक्त बिस्किट की वजह से लड़ती है। दो प्ले रोल किए हैं। चलो उसका तो इंतजाम हो गया। ये मूर्ति सिंह के नहीं हो सकते, ये मेरे पापा लेकर आए हैं। मतलब मेरे मूर्ति सिंह की कोई वैल्यू नहीं? जी नहीं। नीरव चुप हो जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है कि जो चीज हम अपने लिए लाए वो हमसे छीन ली जाए। जो मर्जी कह लो, शादी तो तुम्हारी इसी खानदान में होगी। मैं ऐसे खानदान में बिल्कुल शादी नहीं कर सकती जहाँ पे एक बिस्किट से लड़ाई होती हो। तो यहाँ पे मैं हल से वो उसकी सच्चाई बताते हैं उसके पाप को, ये वो वाला सीन। वो मेरा बाकी उठ जाओ ओए 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 कम दे जाओ गाना मजे के बेले ओए ओए कम नहीं उतरी अपना हाथ खा। जब कान में तेली मारे। यार ये लिखता कौन है, इनमें से राइटर कौन है? ड्रामे का फिर इनके साथ जब मिल के ये सब करते होंगे तो और ज्यादा शोर होगा। दो भैया तुझको ऐसे चिपकली मारते हैं जैसे सारी दुनिया तुझ पे। किसने गाया है में से? और मुझ पे भी बेला रहता है तू इतना बड़ा हो के भी पानी तुझे करके दिखा दूंगा। में ना तू रहना, मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्या होती है सही कमाई तुझे करके दिखा दूंगा। मैं नौकरी नहीं करूंगा, चाहे रेड़ी लगा लूंगा। रेड़ी लगा दूंगा यार मैं देखा जैसे कि मेरे को सफर पढ़ना था उनको पढ़ गया और बट मजे का लग रहा है वो सारा। ये तस्वीरें संदाज में हुआ था, लग रहा था मुर्ते सिर्फ कितना ही आया लेकिन जो उसने टर्म लिया ना बड़े मजे कर लिया। मजे क्या करते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी में से लिखा किसने है अगर किसी को पता है, गाया किसने है, ये ड्रामे के पूरा ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है तो फिर बताएं आप लोग कमेंट्स में अगर किसी को पता है सबके बारे में। और जब थप्पड़ वाली बात आई थी ना तब एक और भी ड्रामा मेरे जहन में चला था, मुझे लगा कि शायद वो वाला ही हो रहा है इधर कि वो काला डोरिया देख रही YouTube चैनल का नाम मुझे नहीं याद ऑनेस्टली, मैंने वहां देखी थी एक दो एपिसोड्स स्टार्टिंग की जो थी पहली दो वो देखी थी बस। और आप इनको जाके सब्सक्राइब कर लें अगर आपका दिल करता है, जरूर करें, एंजॉय करें क्योंकि इन्होंने सिर्फ इस ड्रामे को नहीं और भी काफी सारे ड्रामे हैं जिनको रिक्रिएट किया हुआ है और मजे करके और भी देख सकते हैं इनके और क्रिएशन। हाँ तो इसका दिमाग इतना चलता है वैसे। हाँ ये बता कौन है सबका राइटर कौन है। Anyways, so guys, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। So, we'll see you in the next video. Take care, goodbye, Allah Hafiz. Allah Hafiz.